सैफई पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। अखिलेश यादव से मिलने आई महिलाओं और छोटी बच्चियों ने बांधी राखी। अखिलेश यादव ने कहा 2022 में यूपी विधानसभा में सपा की हर हाल में सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराने का मन बना लिया है। चुनाव तक सरकार विपक्षी राजनेताओं के साथ बदनीयत से करेगी काम। कानून व्यवस्था है बुरी तरह से चौपट। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने, किसानों ने, बेरोजगार नौजवानों ने, व्यापारियों ने, हर वर्ग के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। अच्छा, जिस तरह से अभी सोनिया गांधी ने भी मीटिंग रखी थी, विपक्ष के सारे नेताओं को बुलाने की बात की थी, आप नहीं पहुंच पाए, तो किस तरह की आगे स्ट्रेटजी तैयार कर रही है समाजवादी पार्टी? लगातार इसी तरह की बैठकें चलेंगी, लेकिन जो बैठक दिल्ली में हुई वो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की थी, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा चुनाव देश का, उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि विकास को वोट देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि किसानों की खुशहाली आए। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि नौजवानों को नौकरी मिले, रोज़गार मिले। बड़ी बड़ी जगह से तो ज़रूर कहा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, लेकिन जिस तरह से काम इंफ्रास्ट्रक्चर पे समाजवादी सरकार में हुआ था, वो आज जनता के बीच में है। यहीं पर एटा का बड़ा बिजली का कारखाना लग रहा था, 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, वो लग जाता तो उत्तर प्रदेश को जल्दी और बिजली मिलती। इसी तरह कानपुर देहात में, कानपुर में एक बिजली का प्लांट लग रहा था लिविनी लिग्नाइट का, वो लग जाता तो उत्तर प्रदेश को अतिरिक्त बिजली मिलती। बिजली के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने एक यूनिट भी बिजली नहीं बनाई और बिजली महंगी कर दी। ये बड़े सवाल हैं। आज सिलेंडर की कीमत क्या है? आज जो हम खाने का तेल खरीद रहे हैं उसकी कीमत क्या है? चीनी की कीमत क्या है? गन्ने का भी किसानों का बकाया है।